हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। सब लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। काफ़ी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आप लोगों ने कंप्लीट भी कर लिए होंगे। आप लोगों को पता होगा मैं क्विक रिविजन भी देता रहता हूँ। मैंने गेट 2019 के स्टूडेंट्स को भी क्विक रिविजन दिया था। आप लोगों ने यदि नहीं देखा हो, जैसे कि मैं बात करता हूँ, मैं जियोटेक से डील करता हूँ, मैं रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट से डील करता हूँ, स्ट्रक्चर से भी डील करता हूँ। तो अभी फिलहाल में यदि आप लोग यदि जियोटेक पढ़ चुके हैं पूरा, किसी भी इंस्टीट्यूट के हों आप लोग, आरसीसी पढ़ चुके हैं पूरा, सो आई सजेस्ट कि आप लोगों को एक बार वो क्विक रिवीजन वाले वीडियोस जरूर वॉच करना चाहिए। क्विकली आप चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं उससे। ऐसा आप लोगों को जरूरी नहीं है कि क्विक रिवीजन सिर्फ गेट एग्जाम के एक दो महीने पहले ही आप लोगों को देखना है या गेट एग्जाम के 10-15 दिन पहले आप लोगों को देखना है, ऐसा नहीं है। मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि वो जो क्विक रिवीजन है, चाहे फिर वो मेरा वीडियो देखो या फिर चाहे आप अपने शॉर्ट नोट्स बना के उसको रीड करो, हर 15-15-20-20 दिन में आप लोगों को वो क्विक रिवीजन वाला पोर्शन जरूर देखना चाहिए। या फिर मैं कहूँ आप लोगों के जो शॉर्ट नोट्स है उसको आप जरूर देखना चाहिए 15-20 दिनों में। इससे क्या होगा कि सब्जेक्ट के साथ आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी, मेंटेन रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक सब्जेक्ट सपोज मैंने मार्च मंथ में पढ़ा और उसके बाद मैं सीधे उसको नवंबर मंथ में पढ़ रहा हूँ, तो ऐसे में तो चीज़ों को रिकॉल करना तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए व्हाट आई सजेस्ट कि आप लोग पुराने वाला डेटा अपना बार बार रिकॉल करते रहिए, प्रैक्टिस बनी रहेगी आप लोगों का। और जब गेट एग्जाम के थोड़े दिन पहले आप वापस से पढ़ना चालू करेंगे तो आप लोगों को उतना हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा, चीज़ों को वापस बेसिक लेवल से पढ़ना चालू नहीं करना पड़ेगा, T=0 से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि बार बार जो आप पढ़ चुके हैं, मैं कभी नहीं कहता कि मेरे इंस्टीट्यूट में आके पढ़ो, या मैं कहीं कभी नहीं कहता कि आप उस इंस्टीट्यूट में मत जाओ या एक्स वाई इंस्टीट्यूट में मत जाओ, सब जगह जाओ, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो। बस मैं इतना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप सब्जेक्ट के साथ हमेशा कनेक्टिविटी बनाए रखो। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट कोई ख़त्म कर दिया अब उसको सिर्फ गेट एग्जाम के टाइम पर ही देखेंगे, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट आप भूल जाएंगे, सब्जेक्ट के साथ जितनी कनेक्टिविटी आप लोग रखेंगे उतना आप लोगों का बेनिफिट होगा। शॉर्ट नोट्स यदि आप बना रहे हैं तो व्हाट आई सजेस्ट कि शॉर्ट नोट्स को भी बार बार रिवाइज करते रहिए। वीक में एक दिन फिक्स कर लो कि इस दिन मैं कभी भी पूरे गेट एग्जाम तक एक दिन, हर वीक का एक दिन, हो सकता है इट में भी मंडे, हो सकता है इट में भी थर्सडे, कोई सा भी दिन एक दिन फिक्स कर लो कि इस दिन मैं कोई नया डेटा एंड कोई नया कंटेंट नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ इस दिन रिवाइज करूंगा जो पुरानी चीज़ें मैंने पढ़ रखी उनको, समझ रहे हैं? तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज क्या होता चला जाएगा कि आप आगे आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का सब साफ होता चला जा रहा है, ऐसा हम कभी नहीं चाहते हैं। मैं जानता हूं कि यार गेट एग्जाम यदि आप लोगों को पास करना है तो सबसे बेस्ट चीज़ है वहां पर प्लानिंग। मैं एवरी ईयर करीब 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा देता हूँ, तो 10,000 में से क्या 10,000 बच्चे मेरे पूरे पास हो जाते हैं क्या? नहीं। रिजल्ट्स कितने निकलते हैं? कुछ ही गेट पास कर पाते हैं। क्यों सर? बाकी के स्टूडेंट्स को भी तो मैंने ही पढ़ाया था, फिर वो क्यों ना पास हो पाए? कारण क्या बनता है कि जो लोग पास ना हो पाए उसका मतलब ये नहीं था कि वो टैलेंटेड नहीं थे या फिर वो क्लासेस नहीं आते थे या फिर वो पढ़ाई नहीं करते थे। वो इसलिए नहीं ढंग से या अच्छे स्कोर से पास नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं था। वो सिर्फ क्लासेस में आते थे, नोट्स बनाते थे, घर जाके रिवाइज करते थे, भूल जाते थे, वही सेम सब्जेक्ट फिर गेट एग्जाम के टाइम पर वो पढ़ते थे, तब तक तो सब खत्म हो जाता ना। आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है आपने उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ और हर 15 दिन में उसको रिवाइज करते रहो, तब सब्जेक्ट के साथ कनेक्टिविटी आप लोगों की बनी रहेगी और प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आप लोग पढ़ेंगे तब मजा आएगा, ठीक है? अभी फिलहाल में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इस वीडियो में कॉम्बेट नंबर 4 जो कि जियोटेक का है। मैं पहले ही बता देता हूं ये वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक से रिलेटेड है। यहां पर मैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप लोगों को, मैं आपको पहले ही कह देता हूँ, मैं आपको कह देता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, आप अप्रिशिएट करेंगे इस क्वेश्चन को। बड़ा दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को बनाया है मैंने, समझते हैं, टाइम लेके बनाया है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन जितना बड़ा देखने में लग रहा है हालांकि इतना बड़ा है नहीं, विद इन 4 or 5 स्टेप्स आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर 4 बिल्डिंग्स ABCD&D आर एग्जिस्टिंग इन अ प्लॉट ऑफ एरिया 40 मीटर बाय 30 मीटर एज शोन इन द फिगर बिलो। तो हमारे पास यहाँ पर, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। चार आप लोगों के पास एक प्लॉट एरिया है, यहाँ पर आपका कितना मीटर दे रखा है 40 मीटर और इधर आप लोगों का दे रखा है 30 मीटर और इस पर चार बिल्डिंग्स बनाई हैं। तो ये चार बिल्डिंग्स 1, 2, 3, 4 ABCD आप लोगों को नजर आ रही होगी।
बोला गया है द यूनिफॉर्म प्रेशर ऑफ 90 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर 100 120 एंड 140 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज एक्सर्टेड बाय बिल्डिंग्स ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली इज मेंशन इन द फिगर बिलो। तो इन ये चार बिल्डिंग इतना इतना प्रेशर इन इन पर्टिकुलर लोकेशंस पर लगा रहा है। फिर बोला गया है द वर्टिकल स्ट्रेस एट द पॉइंट पी विच इज द सेंटर ऑफ द विच इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द प्लॉट विच इज 3 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस इज। तो आप लोगों को वर्टिकल स्ट्रेस निकालना है पॉइंट पी पर 3 मीटर बिलो इन किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हिंट मैंने मेंशन कर रखा है यूज इक्विवेलेंट पॉइंट लोड मेथड। यदि आप लोग एक पॉइंट लोड मेथड जानते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट लोड मेथड तो आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये वो पॉइंट है ये वो लोकेशन है विच इज द सेंटर ऑफ द प्लॉट एरिया ऑफ 40 मीटर बाय 30 मीटर जहां पर आप लोगों को 3 मीटर नीचे ग्राउंड सरफेस से 3 मीटर नीचे वर्टिकल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है ड्यू टू द वेट और ड्यू टू दिस प्रेशर ऑफ 4 बिल्डिंग्स ए बी सी डी। ठीक है तो आप लोग इसको सॉल्व करिए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है देखने में बड़ा लग रहा है देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है कि कैसे क्या करना है लेकिन यदि आप इस पॉइंट लोड मेथड को जानते हैं तो इजीली इसका आंसर आप दे पाएंगे। तो जल्दी से सॉल्व करिए कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका सही आंसर दे पाते हैं। ठीक है तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। थैंक यू।